लेट्स डिस्कस नाउ के हाउ डू एटीट्यूड्स गाइड अवर बिहेवियर। एटीट्यूड सीम्स टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर थ्रू टू डिफरेंट मैकेनिज्म्स। दो तरीकों से हमारा जो एटीट्यूड है वो हमारे बिहेवियर को दो तरह से इन्फ्लुएंस करता है, केयरफुल रीजन थॉट टू अवर एटीट्यूड्स एंड देन स्पॉन्टेनियस बिहेवियर रिएक्शंस। यानी कि इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दो तरह से हमारा एटीट्यूड जो है वो गाइड करता है हमारे बिहेवियर को। अब इसमें एटीट्यूड्स जो है वो जो इंटेंशनली हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, इसे हम कहते हैं एटीट्यूड्स अराइव्ड एट थ्रू रीजन थॉट। थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर के नाम से ये थ्योरी है, जिसमें जो हमारा बिहेवियर होता है वो प्लांट होता है। इसको हम थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर या थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन कहते हैं। द डिसीजन टू एंगेज इन अ पर्टिकुलर बिहेवियर इज अ रिजल्ट ऑफ रैशनल प्रोसेस। आप किसी भी बिहेवियर में आप कोई भी बिहेवियर शो कर रहे हो तो वो जो है नतीजा होता है किसी न किसी प्रोसेस का। ये रैशनल मॉडल जो डिसीजन मेकिंग में आप पढ़ते हैं, तो आप जब डिसीजन कर रहे होते हैं तो एक रैशनल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग हम क्या कर रहे होते हैं कि सारे अल्टरनेटिव्स को देख लिया जाता है, फिर हम बेस्ट अल्टरनेटिव्स को चूज करते हैं और फिर उसके बेस पे हम डिसीजन बनाते हैं। तो इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। देखें कि हम क्या करते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो आउटकम्स होते हैं बिहेवियर के, हम वो एवेल्युएट करते हैं, यानी उनके बारे में एक एटीट्यूड बनाते हैं कि अगर मैं ये बिहेवियर शो करता हूं तो उसके नतीजे क्या होंगे। अगर मैं झगड़ा करता हूं तो डेफिनेटली जो जिससे मैं झगड़ा कर रहा हूं वो भी मुझसे झगड़ा करेगा, तो ये क्या होगा, आउटकम होगा आपके उस बिहेवियर का। देन आप फिर डिसाइड करते हैं कि ये जो डिसीजन है तो इस डिसीजन पे, इस बिहेवियर के इस डिसीजन पे एक्ट करना है या नहीं करना। तो और इसी तरह आपके जो इंटेंशंस होते हैं बिहेवियर के वो आप डेवलप करते हैं, एंड देन आप एक अपनी एबिलिटी को कंसीडर कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं अपनी एबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए। देन कुछ सब्जेक्टिव नॉर्म्स, सोसाइटी की कुछ नॉर्म्स देख रहे होते हैं आप कि लोगों की परसेप्शन इससे रिलेटेड क्या है। अगर हम ड्रिंकिंग बिहेवियर की बात करें, कोई शराब पीता है तो वो ये भी देखता है कि सोसाइटी इस बिहेवियर को अप्रूव करती है या डिसअप्रूव करती है, तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। अब हम बात करते हैं हाउ इंटेंशंस आर फॉर्म टू चेंज बिहेवियर। इंटेंशंस किस तरह बनती हैं बिहेवियर को चेंज करने के लिए। सबसे पहले देखते हैं हम कि एटीट्यूड टूवर्ड्स बिहेवियर, आई एम ट्राइंग फॉर फिजिकल फिटनेस। तो यहां पर हम क्या कहते हैं कि पीपल जो है वो दे ट्राई टू एवेल्युएट पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिहेवियर, कि अगर ये मैं परफॉर्म करता हूं तो इसके पॉजिटिव आउटकम्स होंगे या नेगेटिव आउटकम होंगे। अगर पॉजिटिव आउटकम्स होंगे तो इसका मतलब है कि मुझे एक्सरसाइज करने से फायदा होगा फिजिकल फिटनेस से, अगर नेगेटिव आउटकम्स होंगे तो मुझे नुकसान होगा। तो पहले हम क्या कहते हैं कि हम देखते हैं कि किसी भी बिहेवियर की टूवर्ड्स हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और इसके बाद सेकंड है सब्जेक्टिव नॉर्म्स। हम क्या करते हैं कि लोगों की परसेप्शन को देख रहे हैं, जैसे हमने पहले ये चैप्टर में पढ़ चुके हैं परसेप्शन से रिलेटेड, कि आपका परसेप्शन चीजों से रिलेटेड या लोगों का परसेप्शन आपके बारे में क्या है। तो हम देखते हैं कि लोगों का परसेप्शन क्या है, कि अगर मैं एक्सरसाइज करता हूं तो क्या जो सोसाइटी है वो इस बात को अप्रूव करती है डिसअप्रूव करती है। जैसे मैंने आपको ड्रिंकिंग की एग्जाम्पल दी, तो ये हमने देखना पड़ता है कि सब्जेक्टिव नॉर्म्स क्या है। अगर माय नेबर सीम्स टू बी जॉगिंग एंड गोइंग टू जिम, और मैं देखता हूं कि मेरा पड़ोसी जो है वो जा रहा होता है जॉगिंग पे या वॉक पे, तो मुझे भी ये जाना चाहिए। हमारे यहाँ औरतें कम कर रही होती हैं क्योंकि वो ये नोटिस करती हैं कि हमारे यहाँ सब्जेक्टिव नॉर्म्स में टूवर्ड्स फीमेल जो है ये चीज नहीं पाई जाती, इस वजह से हम ये देखना पड़ता है। देन थर्ड इज परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल, और फिर आप ये देखते हैं कि आप में ये करने की एबिलिटी है या
नहीं है। तो अगर आप नहीं कर पाते, आप अलार्म लगाते हैं, और फिर अगर आप उठ नहीं पाते तो आप अपने पड़ोसी को कहते हैं, वो सुबह सुबह में आपके आपको उठाता है। देन इस तरह फिर आपके जो है वो एक इंटेंशन बनता है बिहेवियर का कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट वीक, फिर मैं अगले हफ्ते से जो है वो जिम जाना जो है वो या फिट फिजिकल फिटनेस के लिए वॉकिंग ट्रिप पे जाना शुरू करूंगा। तो इससे फिर आपका एक बिहेवियर हमें बन के सामने आया, आपकी इंटेंशंस ट्रांसलेट होती हैं आपके बिहेवियर में। और ये तरीका है कि हाउ यू कैन ट्रांसलेट योर इंटेंशंस टू द बिहेवियर। और ये क्या होता है कि आपको चेंज लाना पड़ता है फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। आप देखेंगे हमारे यहाँ अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, मतलब जो यंगस्टर्स हैं उनकी बात करें, तो उनका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है टुवर्ड्स जो है फेसबुक अकाउंट्स। फिर उसी तरह वो अपना बिहेवियर भी शो कर रहे होते हैं। और इन्हीं चीजों को सामने रखकर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स बिहेवियर, फिर सब्जेक्टिव नॉर्म्स के पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और फिर वो खुद को देखते हैं कि क्या मैं फेसबुक अभी यूज कर सकता हूं और लोगों को फेस कर सकता हूं या नहीं, फिर वो उनकी एक इंटेंशन बनती है और फिर देन वो फाइनली फेसबुक अकाउंट बनाते हैं। ओके इससे पहले हमने जो प्लान बिहेवियर है आपका, उसमें हमने ये देखा कि आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, डिसीजन मेकिंग आप करते हैं और एक प्रोसेस से, रेशनल प्रोसेस से गुजर कर आप सारी चीजें कर रहे होते हैं। लेकिन सम टाइम आपका जो एटीट्यूड है या बिहेवियर है वो फॉर्म होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस पर। स्पॉन्टेनियस मीन्स नॉट प्लान बट डन बिकॉज यू सडनली वॉन्ट टू डू इट, क्योंकि आपको अचानक से वो करना पड़ता है, इस वजह से आप वो कर लेते हैं, वो डिसीजन ले लेते हैं या वो बिहेवियर आप अडॉप्ट करते हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता। इसको हम फेजियोस की एटीट्यूड टू बिहेवियर प्रोसेस मॉडल भी कहते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि हम वी इंगेज इन अ पर्टिकुलर बिहेवियर जो पैदा होता है एज अ रिजल्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो आपके बिहेवियर का डायरेक्ट होता है, फास्टर होता है और फिर ये ऑटोमेटिक होता है। इसके लिए वो जो रेशनल प्रोसेस से हम गुजर कर आते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमने वो पढ़ा था ना, हमने ह्यूरिस्टिक्स यूज करते हैं, हम शॉर्टकट्स यूज करते हैं, तो मेंटल शॉर्टकट्स यूज करते हैं यहां पर। ठीक है बेटा, अब देखिए हम क्या करते हैं कि सम इवेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके एटीट्यूड को एक्टिवेट करते हैं, और फिर वो जो एक्टिवेटेड एटीट्यूड होता है वो फिर आपको इन्फ्लुएंस करता है। और फिर हम क्या करते हैं, वो जो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट होता है उसको हम किस तरह परसीव करते हैं, ये चीज आपके सामने आती है जब आपका एक्टिवेटेड इन्फ्लुएंस जो है वो आपका एक्टिवेटेड एटीट्यूड जो है वो आपको इन्फ्लुएंस करता है। अब एटीट्यूड ऑब्जेक्ट क्या है, सपोज आपका एक एटीट्यूड है और अगर आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो आपके जिस एटीट्यूड को ऑब्जर्व कर रहा है वो होगा आपका एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली आपकी पर्सनालिटी को अगर ऑब्जर्व किया जा रहा है तो आप भी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। ठीक है, और फिर इसी तरह जैसे हम वहां पर सोशल नॉर्म्स को देख रहे थे, यहां पर भी सोशल नॉर्म्स हैं और हम ये सोचते हैं कि ये जो बिहेवियर शो किया गया है क्या ये अप्रोप्रिएट है या इनअप्रोप्रिएट है, तो फिर आप अपनी जो आपकी जो सोशल नॉर्म्स है उनको कंपेयर करते हुए आप फिर एक अपनी उस इवेंट की एक डेफिनेशन बनाते हैं और फिर आप कहते हैं कि ये जो इसने बिहेवियर शो किया है ये इनअप्रोप्रिएट है या अनएथिकल है, ये एथिकल नहीं है। तो ये इसको हम आगे फिर इसकी एग्जांपल से समझते हैं। बेटा ये है इसकी एग्जांपल आपके एटीट्यूड और स्पॉन्टेनियस बिहेवियर रिएक्शन की।
और इसमें हम क्या कहते हैं, एक्ट क्विकली इन एंड द रिएक्शंस आर मोर स्पॉन्टेनियस। आप कोई डिसीजन मेकिंग या रेशनल प्रोसेस से गुजर कर नहीं आ रहे होते, आपका रिएक्शन ऐसा नहीं होता कि किसी प्रोसेस से गुजर कर आ रहा हो इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। आप क्या करते हैं, आप एफर्टलेस थिंकिंग जो है वो विदाउट गोइंग टू अ डीप प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, आप एफर्टलेस या आप शॉर्टकट लगाते हैं और फिर एक डिसीजन लगाते हैं। जैसे कि आपने ये सडनली अगर ये यहां से इधर मुड़ जाते हैं, आपने अगर किसी गाड़ी को जो है वो ओवरटेक करना है तो आपने सीधा जाना है, यहां से ऐसे क्रॉस करके जाना है या यहां से ऐसे क्रॉस करके जाना है गाड़ी के करीब से, तो ये आपकी सडनली जो है वो आपको इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ी होती हैं। अगर कोई आपके सामने से बिल्कुल कट मार के चला जाता है तो फिर आप जो है वो आपका एक अजीब बिहेवियर आपका होता है और फिर आप एटीट्यूड जो है आपका वो फिर आप आपके रिलेटेड जो इससे रिलेटेड आपका एटीट्यूड होता है, यू थिंक डेट ये बंदा खुद को समझता क्या है, और या फिर आप कहते हैं व्हाट नर्व कि कितना जो है वो करेजियस है, कितना बहादुर है इस काम को करने में, और अपना फिर या फिर आप उससे सिंपति शो करते हैं कि हो सकता है वो जल्दबाजी में हो, कोई उसका रिलेटिव जो है वो इंतकाल कर गया हो, तो इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आती है तो तब आप अपना जो आपका जो एटीट्यूड है वो स्पॉन्टेनियस बिहेवियर शो करता है, यानी कि विदाउट एनी रेशनल प्रोसेस आपका बिहेवियर होता है। और फिर आप जब इन चीजों को देखते हैं और आप एथिकल होते हैं और इस तरह की चीज आप देखते हैं तो आप कहते हैं दिस इज नॉन नॉर्मेटिव या फिर अनइथिकल है या इस तरह का कोई भी आप इसको एट्रीब्यूट कर देते हैं। इससे फिर आपका जो है वो बहरहाल इसमें आपके जो स्पॉन्टेनियस बिहेवियर में आपके पास टाइम नहीं होता है कोई भी बिहेवियर या एटीट्यूड फॉर्म करने में, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा आपके आपके जो रीजन द थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन में या थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर में जो हमने देखा है, वैसा यहाँ पर सिचुएशन नहीं होती। वहां पर आपको टाइम बहुत होता है, यहाँ पर टाइम आपके पास कम होता है, तो आपको स्पॉन्टेनियस जो है वो रिएक्शन शो करना होता है या एटीट्यूड या बिहेवियर आपको शो करना होता है और उसी बेस पे आपकी डिसीजन मेकिंग होती है। ये अनइंटेंशनली होता है, आपके माइंड में जो क्यूज होते हैं, आपके माइंड में जो ह्यूरिस्टिक्स होते हैं, आप उन्हीं को ये यूज कर रहे होते हैं, जैसे गाड़ी हम ड्राइव करते हैं तो उसमें ऐसा होता है। ओके, तो यहां पर इस स्लाइड में हम देखेंगे कि आपकी एक साइंस से एक इल्म है जिससे आप लोगों को परस्यू करने की कोशिश करते हैं। You try somebody कि वो आपकी उस ओपिनियन से एटीट्यूड से एग्री हो और फिर वो वैसा ही करे, तो हम क्या करते हैं दूसरों को परस्यू करने की कोशिश करते हैं कि जैसा मैं कह रहा हूं वैसे आप करें। और इसकी आपने रोजमर्रा अपनी जिंदगी में देखा होगा कि बहुत सारे कमर्शियल एड्स की बम्बार्डमेंट की जाती है, बहुत सारे आपके जो मैगजीन्स होते हैं, टेलीविजन की कमर्शियल्स होते हैं, या फिर आपकी ये जो बिलबोर्ड्स लगे होते हैं बिल्डिंग्स पर, ये देखें ये जो बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, या फिर आपके ऑनलाइन की जो परचेजिंग के जो पॉपअप एड्स आ रहे होते हैं आपके कंप्यूटर पर, और इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है ये एक अटेम्प्ट होती है पर्सुएशन की और आपको परस्यू करने के लिए कि आप इन चीजों को बाय करें। तो ये क्या है कि एफर्ट टू चेंज अदर्स एटीट्यूड थ्रू द वेरियस काइंड्स ऑफ मैसेजेस, बहुत सारे तरीकों के मैसेजेस आपको डिलीवर किए जाते हैं और उन्हीं मैसेजेस की बेस पर आप क्या कहते हैं कि आप जो है ना उन चीजों को परचेज करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि दे हैव बिकम सक्सेसफुल इन पर्स्यूइंग यू इन पर्सुएशन, और इसके बहुत सारे मैसेजेस वो यूज करते हैं, बहुत सारे टाइप्स यूज की जाती हैं पब्लिक को ऑडियंस को कन्विंस करने के लिए कि वो उनका
प्रोडक्ट जो है वो परचेज करें। आपने भी बहुत सारी चीजें देखी होंगी इन योर डेली लाइफ कि आपकी टेलीविजन पर जो एड्स आ रही होती है, टॉक शोज चल रहे होते हैं या बहुत सारे इंटरव्यूज चल रहे होते हैं या सोशल मीडिया पे या मैगजीन या एड्स पर बहुत सारे बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, तो आपको एक्चुअली इनके थ्रू परसू किया जा रहा होता है। मैंने सुबह आपको एक वीडियो व्हाट्सएप की थी और मैंने कहा था कि आप ये क्लास से पहले लाजमी देखें, तो उसमें इन्हीं चीजों पर फोकस किया गया कि किस तरह जो रियलिटी नहीं होती है वो आपको रियलिटी बनाकर दिखाई जाती है ताकि आपको परस्यू किया जाए इन चीजों के लिए। ओके, तो बेटा यहां पर ये हमने ये देखना है कि जो पर्सुएशन के जो तरीके हैं वो कौन से हैं, कम्युनिकेटर्स, मैसेजेस और ऑडियंस के जरिए आपकी जो जो स्पीच डिलीवर कर रहा होता है उसकी हम एट्रेक्टिवनेस, एक्सपर्टीज या क्रेडिबिलिटी को देख रहे होते हैं। जो मैसेजेस आपको दिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मैसेजेस को देखते हैं कि वो किस तरह है, फियर अपील के हैं या जस्ट मियर ऑफ वर्ड्स ऑफ माउथ हैं। तो फिर हम देखेंगे इसमें ऑडियंसिस को कि किस तरह की ऑडियंस को जो है वो टारगेट किया जाता है। इसमें हमने पहले पढ़ा कि आपके जो एटीट्यूड है वो कैसे बनता है और उसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, एटीट्यूड क्या है। हमने देखा यहां पर कि हमारा जो एटीट्यूड है वो दूसरा जो टॉपिक हमने देखा कि हमारा एटीट्यूड जो है वो हमारे बिहेवियर को किस तरह करता है, गाइड करता है। तो हमारा बिहेवियर जो है वो किस तरह चेंज होता है एटीट्यूड की वजह से, दूसरा टॉपिक हमने ये देखा। तीसरे टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा जो एटीट्यूड हमने बनाया है, हमारे जो ओपिनियंस हैं उनको किस तरह चेंज करने की कोशिश की जा रही होती है थ्रू डिफरेंस जो है वो पर्सुएशन के जरिए जो है वो हमारे एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश की जा रही होती है, जिसमें आपके ये कम्युनिकेटर्स हैं, मैसेजेस है, फिर आपकी ऑडियंस आ जाती है इसमें। आपके एटीट्यूड को चेंज करने में और आपका जो पहले से एक एटीट्यूड बना हुआ है उसको चेंज करने में पहला जो रोल प्ले करते हैं वो कम्युनिकेटर रोल प्ले करते हैं। जो कोई भी मैसेज कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, पर्सुएसिव मैसेज जो है कोई भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जो आपको पर्स्यू करने के लिए, पर्सुएशन के लिए जो लोग हायर किए जाते हैं उनकी हम बात करेंगे। और सबसे पहले अगर कोई कम्युनिकेटर है तो क्या होता है कि उसकी एक क्रेडिबिलिटी देखी जाती है कि वो कितना क्रेडिबल है, क्या उस वो काबिले यकीन है, काबिले इत्मान है या नहीं। आप यही देखते हैं कि क्या ये काबिले इत्मान है या नहीं। फिर आप देखते हैं कि वो अपने उस सब्जेक्ट डोमेन में कितना एक्सपर्ट है, आप उस पर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या वो ट्रस्ट के लायक भी है या नहीं। पहली चीज तो आप ये देखते हैं। इसकी हम एग्जांपल समझते हैं इससे एटॉमिक सबमरीन से, इन ग्रुप और आउट ग्रुप से। इन ग्रुप यानी कि ये जो अपनी आपकी जो एटॉमिक सबमरीन जब बनाई जा रही थी 1950s की हम बात कर रहे हैं, तो 1915 में आपकी जो है वो इस तरह के आपके जो एटॉमिक सबमरीन जो सपोज अगर बन रही है तो वहां पर जो बनाने वाले हैं उसमें आपके जो मोस्ट हाई क्रेडिबल पर्सन थे वो रॉबर्ट जे थे। और क्योंकि वो इस एटॉमिक सबमरीन बनाने के उस ग्रुप के मेंबर हैं तो जाहिर सी बात है फिर वो अपने उस डोमेन में एक्सपर्ट भी हैं और वो क्रेडिबल भी हैं, काबिले एतमाद भी हैं, क्योंकि वो उससे ताल्लुक रखते हैं और उस पर ट्रस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन एटॉमिक सबमरीन से रिलेटेड एक और चीज के जो बाहर के लोग हैं, जैसे प्रेवडा एक कम्युनिस्ट न्यूज़पेपर था रशिया का, सोवियत यूनियन का, और उन्होंने भी जो है इस पर जो है वो बात की। तो फिर हम देखेंगे कि इनका क्या ये क्रेडिबल है, लो क्रेडिबिलिटी है।
एक्सपर्टीज है। न्यूज़पेपर वालों को एक्सपर्टीज नहीं होती, उन साइंस का उनको पता नहीं होता, लेकिन जो बनाने वाले हैं वो उनको पता होता है, लेकिन आपका लेक ऑफ ट्रस्ट होता है। फिर भी हम जो है लोगों की बातों में आ जाते हैं, और बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि न्यूज़पेपर को पढ़कर और फिर उन्हीं की बेसिस पर अपने जो एटीट्यूड्स उन्होंने फॉर्म किए हुए होते हैं। आजकल आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको ज्यादातर गवर्नमेंट की तारीफ करने को मिलती है, तारीफ सुनने को मिलती है। इवन हमारे जो ओपिनियन राइटर्स होते हैं डॉन न्यूज़पेपर में भी, एक बिल्कुल पीपी को सपोर्ट कर रहा होता है, एक बिल्कुल पीटीआई को सपोर्ट कर रहा होता है, और उसी की बेस पे हम जो है वो आगे अपनी चीजें बना रहे होते हैं। तो ये हमने बात कर ली क्रेडिबिलिटी की। इसमें एक कोर चेक क्या है, हम क्रेडिबिलिटी की हमने बात कर ली कि अगर आपके पास कोई कम्युनिकेटर है तो वो कितना क्रेडिबल है। और दूसरी हम इसमें बात करेंगे फिजिकल अट्रैक्टिवनेस की, कि अगर आपको कोई पर्स्यू करने की कोशिश कर रहा है, कोई पर्स्यूसिव है, तो वो कितना अट्रैक्टिव है। देखें इन दो एड्स को कंपेयर करें, इन दो गर्ल्स को, कि ये और ये, तो यहां पर ये इस लड़की को ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाया गया है, क्योंकि जो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं हम उनकी तरफ ज्यादा जो है वो अच्छा एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाते हैं, और हम वही प्रोडक्ट जो है वो परचेज करते हैं बिकॉज ऑफ देयर अट्रैक्टिवनेस। और अगर फाइजा ब्यूटी क्रीम बहुत अच्छी है और उसकी एक जो है वो मैं अगर एक खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है तो हम समझते हैं कि इस तरह की क्रीम लगाने से मैं भी ऐसी खूबसूरत बन जाऊंगी। तो इसको हम क्या कहते हैं कि आपके जो कम्युनिकेटर्स हैं उनको हम देखते हैं कि उनकी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस कितनी है। जो लेस फिजिकल अट्रैक्टिवनेस होती है, जिनमें लेस अट्रैक्टिवनेस होती है, वो पर्स्यूसिव कम होते हैं, वो आपको कार्य करने में इतने सक्सेसफुल नहीं रहते। देन थर्ड हम बात करते हैं इसमें लाइकिंग की। सपोज अगर कुछ ऐसे भी होते हैं एडवर्टाइजर्स या फिर जो रोल मॉडल्स होते हैं आपके, जो आपके टीवी एड्स में या कमर्शियल्स में आ रहे होते हैं, आपके फेवरेट एक्ट्रेस वगैरह, तो आप उनमें से अगर किसी को लाइक करते हैं, सपोज आप शाहिद आफरीदी को ज्यादा लाइक करते हैं, तो उसकी जो भी एड आती है आप बड़ा शौक से देखते हैं, और जिनको आप पसंद नहीं करते आप चैनल वगैरह चेंज कर देते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों को एडवर्टाइजमेंट के लिए हायर किया जा रहा होता है जो कि आपके जिनको लोग ज्यादा लाइक करते हों, जो बड़े फेमस लोग हों, और क्योंकि जितने ज्यादा वो फेमस होते हैं उतना उनका जो जो लाइकिंग है पब्लिक में वो ज्यादा हो रही होती है, और जितने उनके फैंस होते हैं उतनी ज्यादा प्रोडक्ट की जो परचेजिंग है वो बढ़ जाती है। बेटा इसमें हम अब मैसेजेस की बात कर लेते हैं कि आपके जो मैसेजेस होते हैं समटाइम उनको हम फियर अपील भी कहते हैं। कुछ जो आपके मैसेजेस होते हैं ऐसे होते हैं जो आपको डराते हैं, आपको उनसे खौफ होता है, या फिर आपके हेल्थ से रिलेटेड, जैसे जेनिस और फिशबेच ने लोगों को 3 मैसेजेस ऐसे दिए जो कि टूथ डिके से रिलेटेड थे, और फिर उसका नतीजा क्या बना कि लोगों ने जो है रिजल्टेड फ्रॉम जो है वो आपके टूथ ब्रशिंग जो है वो नहीं की उन्होंने, क्योंकि लोग जो है वो कुछ आपके वो देखा ये जाता है कि आप जो भी एटीट्यूड और बिहेवियर है आपका, क्या वो आपका एडेप्टिव है या नहीं है। अगर एडेप्टेड नहीं है तो आप एटीट्यूड को गेन नहीं करते, वो एटीट्यूड आप अपने पास नहीं रखते, और अगर आप एडेप्टिव है तो वो एटीट्यूड आप अपने पास रखते हैं और वो एटीट्यूड आप लेकर चलते हैं और वही आपका ओपिनियन रहता है। सपोज यहां पर हम बात कर लेते हैं फियर बेस जो आपके फियर अपील्स की,
आपको कुछ मैसेजेस ऐसे भी दिए जाते हैं, जैसे अभी कोरोना से रिलेटेड आपको कहा जा रहा है कि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो कोरोना लग जाएगा, अगर आप फासले पे नहीं बैठेंगे तो कोरोना लग जाएगा, इस तरह की जो आपको मैसेजेस हैं वो दिए जाते हैं। और जब हम छोटे होते हैं तो माँ बाप हमें जो है ना वो अक्सर डराते हैं कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें दोजख में जलोगे और गॉड विल पनिश यू, इस तरह के। और फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो जो एटीट्यूड हमारा उस फियर अपील के बेस पर जो बना हुआ होता है, हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते हैं, क्योंकि वो एडेप्टिव होता है और हम चेंज करते हैं अपना बिहेवियर। और एज अ रिजल्ट ये जो फियर अपील्स होती हैं दे फेल टू चेंज अवर बिहेवियर। और जैसे हर जो है आपकी सिगरेट पे ये लिखा होता है कि तमाकू नोशी का अंजाम जो है वो मुंह का कैंसर है, लेकिन फिर भी जो है वो लोग पी रहे होते हैं। तो बहुत सारी अपील्स में आपको ये दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो यही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनमें एडेप्टिवनेस जो है वो कम होती है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो डिफेंसिव बन जाते हैं या फिर उस एटीट्यूड को अवॉइड करने लग जाते हैं। एज अ रिजल्ट हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो बनता है नहीं, हम अपने ही नेगेटिव एटीट्यूड में रहते हैं, क्योंकि जो फियर मैसेजेस हैं वो क्या होते हैं, ग्रूसम बेस्ड फियर मैसेजेस होते हैं। जैसे यहां पर आपके क्लाइमेट चेंज का जो आपको दिखाया गया है, ये भी ग्रूसम है, ये भी ग्रूसम है। मॉडरेट नहीं होते, मॉडरेट किस तरह की आपको बताया जाए कि अगर आप पेस्ट यूज करेंगे तो उसके मेडिकली बेनिफिट ये हैं, अगर आप सिगरेट नहीं पिएंगे तो आपके पॉजिटिव एटीट्यूड में जो आपका इंटरेस्ट है वो आपका ये होगा, आपको ये बेनिफिट्स होंगे। तो हालांकि ये चीजें हमें जो है ना इस तरह बताई जानी चाहिए, लेकिन हमें डराया जाता है। तो पॉजिटिव मैनर तभी बन सकते हैं जब हमें कहा जाए कि कोई भी चीज एडवर्टाइज की जाए तो हमें बताया जाए कि हाउ टू अटेन अ गुड हेल्थ, रेदर देन हमें ये कि डराया जाए और फिर रिस्क और अनडिजायरेबली और कॉन्सिक्वेंसेस बताए जाए कि अगर नहीं करोगे तो ये नुकसान हो जाएगा वगैरह वगैरह, हमें बेनिफिट्स वगैरह बताए जाए ताकि हमारा जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है टूवर्ड्स दिस फियरिंग अपील्स जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए और हम एडेप्टिव बने। बेटा आपकी जो पर्सुएशन है वो डिपेंड करती है ऑडियंस पर, आपके रिसिपिएंट पर, कि आपके रिसिपिएंट्स कैसे हैं, क्या उनका मूड जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और क्या उनको प्रायर नॉलेज जो है वो अबाउट द ऑब्जेक्ट है या नहीं है, या फिर उनके पर्सनालिटी में ट्रेट्स क्या है। अगर वो आपको डाउट की नजर से देखते हैं आपकी एडवर्टाइजमेंट को, मैसेजेस को, तो डेफिनेटली दे विल अवॉइड, दे विल चेंज द चैनल। तो डिपेंड करते हैं आपके एडेप्टिविटी पर कि आपका जो रेसिपिएंट है वो कितना चीजों को एडेप्ट करता है, ADAPT, एडेप्ट कितना करता है। तो ये डिपेंड करता है आपके एडेप्टिवनेस पे कि आपका जो ऑडियंस है वो कितनी एडेप्टिव है, चीजों को एडॉप्ट करती है, चेंज करती है, एडेप्ट मींस चेंज, तो कितना एडेप्ट करती है, चेंज करती है, वो डिपेंड करता है फिर उनके पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड्स पर। कि अगर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो वो उसे एडेप्ट करेंगे, ADAPT, एडेप्ट मींस चेंज करना, और अगर उनका एटीट्यूड नेगेटिव है तो वो चैनल चेंज कर देंगे, आपकी एडवर्टाइजमेंट नहीं देखेंगे और अपने बच्चों को भी बताएंगे कि ये बकवास जो है वो चीजें और ऐसे आप यूज ना करें। बेटा कॉग्निटिव प्रोसेस की बात करते हैं, इसमें देखिए हमारा जो कॉग्निटिव प्रोसेस है उसमें हम जो भी हमें इंफॉर्मेशन जो पर्सुएसिव मैसेजेस से आ रही होती है, जैसे कि हमने एड्स देखी या कोई ऐसा मैसेज जो फियर बेस में अपील्स वगैरह और इस तरह के आपके पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड्स के जो मैसेजेस आपको आ रहे होते हैं,
तो आप उनको एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, इंटरप्रीट कैसे करते हैं, और फिर एवेल्युएट यानी कि उससे रिलेटेड ओपिनियन कैसे बनाते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम उनको देखते हैं। ओके, इसमें आपके सिस्टमेटिक वर्सेस ह्यूरिस्टिक प्रोसेस दो है, एक सिस्टमेटिक है और दूसरा ह्यूरिस्टिक है। ह्यूरिस्टिक ये हम पढ़कर आए हैं, ये मेंटली शॉर्टकट्स होते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक क्या, एक पूरा प्रोसेस इंफॉर्मेशन का, एक पूरा प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ पर्सुएसिव मैसेज दैट इन्वॉल्व्स केयरफुल कंसीडरेशन ऑफ मैसेज कंटेंट एंड आइडियाज। आप इसमें एफर्ट लगाते हैं, एफर्टफुल होते हैं और इसमें टाइम लगता है, आप कोई शॉर्टकट यूज नहीं करते हैं और फिर उसके बेस पर आप कंक्लूड करके एक एटीट्यूड फॉर्म करते हैं। तो इस तरह आपके जो है ना, आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस में ये दो प्रोसेस आ जाते हैं, एक सिस्टमेटिक और दूसरा ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स को हम पढ़कर आए हैं, जिनको हम मेंटल शॉर्टकट्स कहते हैं। तो आपके सिस्टमेटिकली एनालाइज करते हैं आप उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स को, जैसे कि हम रेशनल मॉडल्स में पढ़ के आए हैं, एक पूरा प्रोसेस होता है, एक सिस्टमेटिक वे से हम चल रहे होते हैं, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स और आउटकम्स जो है वो, ये सारी चीजें हम एवेल्युएट कर रहे होते हैं और उसकी बेस पे हम डिसीजन कर रहे होते हैं। देन हम ह्यूरिस्टिक्स की बात करें कि सम टाइम हम जो हमें जो पर्सुएसिव मैसेजेस आ रहे होते हैं, हम मेंटल शॉर्टकट्स यूज करते हैं और इफ इट फील्स गुड टू मी करंटली देन इट इज गुड, और अगर वो मुझे अच्छा लग रहा है, बजाय कि मैं एक पूरी रिसर्च करूं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड और फिर मैं जाकर उसको बाय करूं, जैसे आजकल हमारे यहाँ एक ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, खासतौर पर हमारे यंगस्टर्स में, कि जब भी वो कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो एक सिस्टमेटिक वे से, यानी कि वो यूट्यूब पर जाते हैं, बहुत सारे रिव्यूज देखते हैं और फिर थोड़ी बहुत स्टडी करते हैं, फिर उन चीजों को कंपेयर करते हैं। और कुछ हमारे स्टूडेंट्स सपोज ऐसे होते हैं जो कि मेंटल शॉर्टकट्स यूज करते हैं, बस अगर मुझे आईपैड पसंद आ गया तो मैंने आईपैड लेना है, आईफोन पसंद आ गया तो आईफोन लेनी है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका उसमें डायरेक्टली एक्सपीरियंस है या नहीं है, आपने रैशनल थिंकिंग की है या नहीं की है। तो जहां पर आपकी सिस्टमेटिक और रैशनल थिंकिंग की बात आती है, वो तो एफर्टफुल होती है, वहां पर तो टाइम चाहिए रिसर्च बेस्ड कंक्लूजन के लिए। लेकिन ह्यूरिस्टिक्स आपके ऐसे होते हैं जहां पर आप मेंटल शॉर्टकट्स यूज करते हैं और फिर आप एट्रीब्यूट कर देते हैं चीजों को ऑन द बेसिस, और फिर इनको पेरिफेरल रूट्स भी कहा जाता है टू पर्सुएशंस, ठीक है जी। और फिर आपके सिस्टमेटिक जो आपके प्रोसेसिंग है उसको सेंट्रल रूट टू पर्सुएशन भी कहा जाता है। तो ये दो चीजें हैं आपकी। बेटा अब हम देखेंगे कि डिफरेंट कम्युनिकेटर्स मैसेजेस ऑडियंस और फियर अपील्स के जरिए आपको आपके एटीट्यूड्स को पर्सुएशन के जरिए चेंज करने की कोशिश की जाती है। तो आप ये जो पर्सुएशन है, जो आपके एक तरीका जिससे आपके एटीट्यूड्स को चेंज किया जाता है, तो इस तरीके से आप किस तरह अवॉइड करते हैं, किस तरह आप इसको रेजिस्ट करते हैं, कौन से आप अटेम्प्ट्स लेते हैं ताकि आप अपने जो एटीट्यूड आपने बनाए हुए हैं उसको उनको आप चेंज ना होने दें। हैव यू एवर नोन समवन, परहैप्स अ यंग पर्सन हु सीम टू डू एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट ही शी वाज आस्क्ड टू डू, और इसको हम कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। और ये हमने जो है वो हमारे यंगस्टर्स में और हमने बच्चों में ज्यादा देखी होती है। अगर माँ कहती है बेटा ये नहीं उठाना तो वो उठा लेता है, आग से मना करते हैं तो वो आग की तरफ चला जाता है, हम कहते हैं मुंह में नहीं डालना तो वो मुंह में डाल देते हैं। तो इस तरह की चीजें कि वो देखें कि उसका एक अपना एटीट्यूड है और आप उसे परस्यू करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसा ना करे, यानी कि अपना एटीट्यूड चेंज करे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो रिवर्स साइकोलॉजी करता है, वो वही करता है जो उसके एटीट्यूड में होता है, यानी कि वो अपने एटीट्यूड को ही
इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर शो करता है। तो किस तरह इसके अटेम्प्ट्स हैं, हम आगे देखते हैं कि कौन से आपके अटेम्प्ट्स हैं जो आप अटेम्प्ट करते हैं, और यू ट्राई टू रेजिस्ट दीज पर्सुएशन। लेट्स सी के व्हाट इज द रीजन आप ऐसा क्यों करते हैं कि अगर कोई पर्सुएशन के जरिए इस एडवर्टाइजमेंट कम्युनिकेटर मैसेजेस और फियर अपील्स के जरिए अगर आपके एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश करता है, तो आप क्यों जो है उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, क्यों जो है वो आप अपना एटीट्यूड चेंज नहीं होते होने देते। दिस इज बिकॉज ऑफ रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या है? जनरली वी कंसीडर के दिस पर्सुएशन इज अ थ्रेट। हम उस पर्सुएशन को थ्रेट समझते हैं बिकॉज इट इज अ थ्रेट टू परसीव्ड पर्सनल फ्रीडम। मेरी एक पर्सनल आजादी को ये एक थ्रेट है, इसकी वजह से हम जो है वो ये जो पर्सुएशन के अटेम्प्ट्स हैं हम उनको रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट अदर रिलीजन, इफ अ बिशॉप, एक अगर चर्च का पादरी आपको प्रीच कर रहा है, उनकी एक मिशनरी चल रही है पूरे कंट्री में, और वो आपको क्रिश्चियनिटी की प्रीचिंग कर रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आप अपना रिलीजन छोड़कर उनका रिलीजन एडॉप्ट करें, तो व्हाट दे आर डूइंग पर्सुएशन। और ये बिशॉप क्या होगा? ये होगा कम्युनिकेटर, और वो एक क्रेडिबिलिटी के साथ एक मैसेज देने की कोशिश करेगा, आपको परस्यू करने की कोशिश करेगा कि आप अपना रिलीजन छोड़ दें और आप क्रिश्चियनिटी को एडॉप्ट करें। देन यू परसीव दिस पर्सुएशन एज परसीव्ड पर्सनल फ्रीडम, एज थ्रेट टू द परसीव्ड पर्सनल फ्रीडम, आपकी जो पर्सनल फ्रीडम है, बिकॉज यू आर फ्री टू चूज योर रिलीजन। As a rational animal, you can decide what is good and bad for you on the basis of your rationality and freedom. You can choose. तो वो क्या 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 होता है? The bishop is persuasive, जो आपको persuade करने की कोशिश कर रहा होता है, and you are reactant, और आप अपनी freedom, आप अपनी आजादी को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इस threat को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये रीजन होती है कि हम क्यों रिजिस्ट कर रहे होते हैं, जो आपके एटीट्यूड्स की जो चेंजेस होती हैं उसमें जो चेंजेस आ रही होती हैं उनको हम क्यों जो है वो रिजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ रिएक्टेंस, कि आप अपनी जो आपकी पर्सनल फ्रीडम है आप उसको किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं एक पैसिव थ्रेट जो आपकी पर्सनल फ्रीडम को होता है। जैसे पेरेंट्स आपको अक्सर कहते हैं कि लीव द बॉल एंड स्टडी, लेकिन आप इसको थ्रेट समझते हैं और आप जाते हैं खेलने के लिए फुटबॉल। तो ये भी एक आपकी एग्जांपल है कि किस तरह आप अपने जो पर्सनल फ्रीडम है आपकी उसको आप प्रोटेक्ट करते हैं। बेटा इसमें है फॉर वार्निंग, इसका मतलब है क्या है? अ वार्निंग अबाउट समथिंग, कोई भी जो बेड हो या अनप्लेजेंट हो बिफोर इट हैपेंस। आप कोई भी आपको वार्निंग मिले किसी ऐसी अनप्लेजेंट चीज के होने से पहले, इंडिकेशन, इशारा, इसको हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं प्रायर नॉलेज। किसी भी पर्सुएसिव इंटेंट को, कोई आपको पर्स्यू करने की कोशिश कर रहा है और आप पहले से उसके इंटेंट से उसके इरादों से वाकिफ हैं, इफ यू आर फॉरवॉर्न यू हैव एडवांस नॉलेज अबाउट द इंटेंशंस ऑफ एनी पर्सुएशन, बिहाइंड एनी पर्सुएशन, किसी भी पर्सुएशन के बिहाइंड आपको कोई भी इंटेंशन का पता हो। जैसे आप जो कमर्शियल एड्स चलती हैं उनके पीछे आप मकसद समझ जाते हैं कि इनका मकसद क्या है,
वो प्रोडक्ट को सेल करना। और फिर अगर कोई हमारा पॉलिटिकल लीडर आता है आपके सामने स्पीच करने के लिए और बड़ी बड़ी बातें करता है, यू नो द प्रायर इंटेंशंस आपको होती हैं और आप जो है वो समझ जाते हैं कि ये घुमा फिरा कर बात जो है वो आखिरी बात में यही कहेगा कि आप हमारी पार्टी को वोट दें और नेक्स्ट टाइम से हम ऐसा नहीं करेंगे जैसे पीटीआई ने आपसे किया है। तो इस तरह की बातें वो करते हैं एंड यू हैव प्रायर नॉलेज ऑफ सम पर्सुएसिव इंटेंस। और इसके आपकी जो फॉरवर्डिंग है वो आपको हेल्प किस तरह करती है काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। आप क्या करते हैं काउंटर आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, यू रिफ्यूट द मैसेजेस, वो जो आपको कम्युनिकेटर मैसेज दे रहा होता है पर्सुएशन के लिए आप उनको रिफ्यूज कर देते हैं। या फिर आप क्या करते हैं, यू ट्राई टू लेसन द इंपैक्ट ऑफ दिस मैसेज, उस मैसेज के इंपैक्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। या फिर आप क्या करते हैं, आपका जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड वो रिकॉल करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे पहले भी आया था एक मिनिस्टर आपके पास और उसने भी वैसे ही वादे किए थे लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो आप क्या करते हैं, इस तरह की रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। और फॉरवर्डिंग जो है वो आपकी जो रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज करती है, रेजिस्टेंस यानी कि पर्सुएशन की रेजिस्टेंस को इंक्रीज करती है कि किस तरह आप को जो पर्सुएशन की जो टेक्निक्स वो यूज कर रहे हैं आपको पर्स्यू करने की, तो फिर आपकी जो फॉरवर्डिंग उससे रिलेटेड पहले आपकी नॉलेज होगी तो आपको पता चल जाएगा। जैसे हमारे यहाँ घरों में अक्सर आती हैं औरतें और वो फिर साबुन या फिर शैम्पू या फिर आपके सर्फ एक्सेल की वगैरह लेकर आती हैं, तो आप क्या करते हैं, आपको पहले से इंफॉर्मेशन होती है कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि अभी एक्सपायर होने वाले हैं विद इन मंथ्स, तो कंपनी चाहती है कि वो जल्दी से जल्दी सेल आउट हो जाए, तो आपको उनके इंटेंशन का पहले से पता है। इस वजह से आप क्या करते हैं, नहीं 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 बस आप जाओ बस हमें ये ही लेना, तो आप एडवांस में उनको मना कर देते हैं। तो इस तरह की चीजें आप करते हैं क्योंकि आपको पहले से पता होता है। और कभी कभी आप बंदे की पर्सनैलिटी देखकर आप समझ जाते हैं कि किस तरह के मैसेजेस देगा। जैसे अगर आप पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो आपको पता चलेगा कि ये तो जब भी बात करेगी अपनी पार्टी की तारीफ की और दूसरों की बुराई करनी है इसने, तो पहले ही आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उनके मैसेजेस से कि वो मैसेजेस किस तरह के आएंगे। और फॉरवर्डिंग जो है इट मेक्स डिफिकल्ट फॉर द इन्फ्लुएंसर टू इन्फ्लुएंस यू, जो कम्युनिकेटर्स होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल बना देती है कि वो आपको इन्फ्लुएंस करे, क्योंकि आप पहले से ही आपको पता होता है। और जैसे ही हम बात करें रिलीजन की कि आपको अपने रिलीजन का पता होता है एंड लोग कोशिश करते हैं फिर भी आप उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आते, उनकी पर्सुएशन में नहीं आते, बिकॉज फॉर वार्निंग द प्रायर नॉलेज गिवन टू यू फ्रॉम योर बर्थ, ये जो है वो आपको फॉरवर्डिंग बनाती है और फिर यू बिकम फॉरवर्ड एंड इट हेल्प्स यू इन डाइवर्टिंग एंड रेजिस्टिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द कम्युनिकेटर्स, और ये जो पर्सुएशन के मैसेजेस होते हैं उनको रेजिस्ट करने में आपको हेल्प करती है। बेटा कुछ इंफॉर्मेशन आपकी ऐसी होती है जिसमें आपकी डायरेक्ट अटेंशन होती है और उनको आप रेजिस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, और टू डायरेक्ट अटेंशन अवे फ्रॉम इंफॉर्मेशन चैलेंजेस योर एग्जिस्टिंग एटीट्यूड, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जिस्टिंग एटीट्यूड को चैलेंज करती हो आप उससे अवॉइड करते हैं, और ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जिस्टिंग एटीट्यूड्स को बिलीफ्स को चैलेंज नहीं करते आप उससे अवॉइड नहीं करते हैं, और आपके ओपिनियंस को अगर कोई चीज चैलेंज करती हो तो आप उससे अवॉइड नहीं करते हैं। और ये जो आपकी अवॉइडेंस है जो आप अवॉइड करते हैं सर्टेन सेलेक्टिव अवॉइडेंस जिसे हम कहें कि कुछ बातों में आप अवॉइड करते हैं और कुछ में आप सुन रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव अवॉइडेंस इंक्रीजेस रेजिस्टेंस टू पर्सुएशन।
और जैसे क्लास में टीचर्स अगर बात कर रहे होते हैं ऐसे एटीट्यूड्स के बारे में जो आपको अच्छा नहीं लग रहा होता तो आप अवॉइड कर रहे होते हैं, और ऐसे एटीट्यूड्स की और बिहेवियर की बात कर रहे हो जो आपको अच्छा लग रहा होता है तो आप जो है वो सुन रहे होते हैं। तो व्हेन एवर योर पेरेंट्स आस्क यू हाउ इज द स्टडी गोइंग, तो अगर आप आपके एटीट्यूड में ये है कि आप पढ़ते ही नहीं है तो आप यू ट्राई टू चेंज द टॉपिक, आप दूसरी बातें करते हैं। और अगर आप अपना कोई छोटा भाई या खर्ची मांग ले आपसे कुछ पैसे मांग ले तो आप इधर उधर की बातें घुमा के उसे उसके डाइवर्ट कर देते हैं, और दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव अवॉइडेंस कि आप सिर्फ उस बात पर जो पैसे आपसे मांगे जा रहे हैं या मैं उस बात पर जो स्टडी की बात की जा रही है तो तब आप जो है सेलेक्टिव अवॉइडेंस करते हैं, उस टॉपिक से अवॉइड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो आपके चैलेंज कर रहा होता है आपकी जो एटीट्यूड एग्जिस्टिंग एटीट्यूड है। और इसी तरह हम अगर कमर्शियल एड्स की बात करें जो आपके टीवी चैनल्स पर चल रहे होते हैं तो आप या तो चैनल चेंज कर देते हैं क्योंकि एड्स बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं या फिर आपको वो एड पसंद नहीं है, इस वजह से आपने उस सेलेक्टिव एड की वजह से आपने चैनल चेंज कर दिया, या फिर आप टीवी बंद कर देते हैं, और बहुत सारे आपके बिहेवियर्स आपके शो हो रहे होते हैं बिकॉज ऑफ योर सेलेक्टिव अवॉइडेंस की वजह से, क्योंकि आप समझते हैं कि ये बस मैं बार बार देख कर बोर हो गई हूँ, और इसी तरह आप वो जो पर्टिकुलर एड आ रहा होता है उससे आप बोर हो रहे होते हैं तो आप वो फिर एड को अवॉइड करते हैं, तो डिफरेंट चैनल्स आप चेंज करके या फिर टीवी ऑफ कर देते हैं या वहां से उठ के चले जाते हैं वगैरह वगैरह। सेलेक्टिव एक्सपोजर की बात करते हैं जो कि सेलेक्टिव अवॉइडेंस के बिल्कुल अपोजिट में है। ऐसी एड ऐसी मूवी जो आपको पसंद आती है आप वो देखते हैं। यू पे अटेंशन टू ओनली डेट पर्सुएसिव मैसेज डेट इज फेवरेबल टू यू, जो आपका पसंदीदा हो आप उस पर फोकस करते हैं। यू लिसन विच इज अलाइड टू योर एटीट्यूड, जो आपके एटीट्यूड से मैच करता है आप उस चीज को सुनते हैं। तो सपोज क्योंकि हमारे यहां ये पाकिस्तान में कॉमनली ये एक एटीट्यूड पाया जाता है, हमें जो है वो हम फेवरेबल होते हैं टुवर्ड्स द इंडियन मूवीज और पाकिस्तानी ड्रामा की तरफ। हम मूवीज जब भी देखते हैं तो इंडियन मूवीज देखते हैं और जब ड्रामा देखते हैं तो हम पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं। दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव एक्सपोजर, कि हम सिर्फ वही चीजें देखते हैं जो हमें पसंद आती हैं, तो और या फिर वो एटीट्यूड जो हमारे एटीट्यूड से मैच करता है हम वही चीज करते हैं। हमारे एटीट्यूड से इंडियन मूवीज मैच करती हैं तो हम इंडियन मूवीज देखते हैं, और अगर ड्रामों की बात करें तो हमारे एटीट्यूड से पाकिस्तानी ड्रामे मैच करते हैं तो हम फिर वही ड्रामा देखते हैं। ओके, एक्टिवली डिफेंडिंग अवर एटीट्यूड्स, और ये कैसे हम करते हैं थ्रू काउंटर आर्ग्यू, तो उसके अगेंस्ट में जो हमारे एटीट्यूड्स के अगेंस्ट कॉम्पीटिंग एटीट्यूड्स होते हैं उनसे हम जो है वो क्या करते हैं डिफेंड करते हैं अपने एटीट्यूड्स को। वी नॉट ओनली इग्नोर स्टिमुलस, ऐसी इंफॉर्मेशन या स्टिमुलस डेट इज अगेंस्ट इन अवर एटीट्यूड्स, ना सिर्फ हम उस स्टिमुलस या इंफॉर्मेशन को जो हमारे एटीट्यूड्स के अगेंस्ट में होती है हम उसको इग्नोर करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं वी जनरेट काउंटर आर्ग्यूमेंट्स टू रिफ्यूट द अपोजिंग थॉट्स, जो हमारे मुख्तलिफ थॉट्स होते हैं अपोजिंग थॉट्स होते हैं हमारे एटीट्यूड्स के अगेंस्ट में जो अपोजिंग थॉट्स होते हैं हमको उनको रिफ्यूज कर देते हैं। देखें काउंटर एटीट्यूडल मैसेज कौन से, जो आपके वो मैसेजेस जो आपके एटीट्यूड के अगेंस्ट में होते हैं तो ऐसे एटीट्यूड्स को हम क्या करते हैं स्क्रीन आउट कर देते हैं और हम उनको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, हम इनको उनको अवॉइड करते हैं। और प्रो एटीट्यूडल मैसेज वो मैसेजेस जो हमारे एटीट्यूड से मैच करते हैं हमारे एटीट्यूड से अलाइन करते हैं
तो हम ऐसे एटीट्यूड्स को क्या करते हैं, शील्ड करते हैं, यानी कि प्रोटेक्ट करते हैं, और हम उनको इंपॉर्टेंस देते हैं, और हम कन्फ्रंट करते हैं, यानी कि हम अवॉइडेंस नहीं करते हैं, हम उनको अवॉइड नहीं करते, वी अपोज टू द अवॉइड, हम उनको अवॉइड नहीं करते, हम उनको सुनते हैं। जैसे अगर हम बात करें आपके दो लोगों, एक जो है वो आपका पीपी में हो और दूसरा आपका पीटीआई में हो, तो ये क्या करेगा, जब भी बात करेगा इमरान खान को शील्ड करेगा, उसकी पॉलिसीज को प्रोटेक्ट करने की, इंपॉर्टेंस देने की बात करेगा, कॉन्फ्रेंट करने की बात करेगा, और इसी तरह जो पीपी का बंदा होगा वो फिर उसे क्योंकि वो उसके काउंटर एटीट्यूडनल बात कर रहा है या मैसेजेस दे रहा है, तो वो उसके जो मैसेजेस है उसको स्क्रीन आउट करने की, डिलीट करने की कोशिश करेगा, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देगा या फिर उसकी बातों को अवॉइड करने की कोशिश करेगा। तो ये है कि आप अपने जो आपके जो एटीट्यूड्स है उनको डिफेंड किस तरह करते हैं, दो तरीकों से। अगर वो आपके एटीट्यूड के काउंटर है तो आप अवॉइड करते हैं, और अगर प्रो है तो आप कॉन्फ्रंट करते हैं। ठीक है, बेटा काउंटर एटीट्यूडनल हो या प्रो एटीट्यूडनल हो, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिंग द पर्सुएशन, पर्सुएशन को रेजिस्ट करने में इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये चीज वेरी भी करती है। व्हेन अगर सपोज व्हेन समवन चैलेंजेस माय बिलीफ इन इंडिविजुअल, तो आई एंजॉय डिस्प्यूटिंग, उससे झगड़ा करना मुझे अच्छा लगता है, एंड व्हाट दे हैव टू से और and I take pleasure in arguing with those who have opinions that differ from my own, और फिर उनसे argue करना जो है मुझे argue करने में मुझे बहुत मजा आता है, जिनके opinion मेरे जो है against में होते हैं। तो जो counter attitudinal messages होते हैं वो उनको enjoy भी करते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, जैसे अगर वो rational हो, open minded हो, तो वो अगर पीपी पीपी वालों की बात की जाएगी तो वो उसको भी सुनेगा, और अगर वो पीटीआई वालों की बुराई कर रहा हो तो वो उसको भी सुनेगा, अगर नून लीग वालों की बुराई कर रहा हो कोई और तो उनको भी सुनेगा। तो वो क्या करता है, वो न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है, और फिर वो प्लेजर या एंजॉय करने की कोशिश करता है। तो ये चीज जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी भी करती है। ओके, ईगो भी जो है ये भी आपकी एक तरह से आपके एक एटीट्यूड को जो परस्यू करने की, चेंज करने की जो कोशिश की जा रही होती है उसको रेजिस्ट करने में हेल्प करती है। और इसमें एक और चीज भी है, सेल्फ रेगुलेशन भी है। सेल्फ रेगुलेशन मीन्स टू एंगेज इन विल पावर इन कंट्रोलिंग योर ओन थिंकिंग, आप अपनी ही सोच को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अगेंस्ट द पर्सुएशंस, इसको कहते हैं हम सेल्फ रेगुलेशन। आप अपनी सोच को कंट्रोल करें, जो एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जा रहा है उनको दिखाने दें, आप अपनी अपनी थिंकिंग पर फोकस करें, आप अपनी थिंकिंग को अपनी विल पावर के जरिए कंट्रोल करने के लिए की कोशिश करें। एंड देन जो आपके ईगो है वो भी आपको हेल्प करती है आपकी जो रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज करने में, जो पर्सुएशन की रेजिस्टेंस है उनको इंक्रीज करने में। अगर आपकी ईगो में डेप्रेशन है, कमी है, आपके ईगो में कमी है, तो फिर आपकी जो रेजिस्टेंस है वो अंडरमाइन हो सकती है, आपकी जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो सकती है, और फिर इससे क्या होगा कि द पर्सन विल बी एबल टू परस्यू यू, आपको परस्यूड करने में वो कैपेबल बन जाते हैं। एक होता है ना बड़े सख्त और कड़े टाइप के, अगर वो पीपुल्स पार्टी का है और उसके सामने पीटीआई की बात करो तो वो इतना गुस्से में आ जाता है, सुनता ही नहीं, और हम कहते हैं इसमें बहुत ईगो है अपनी पार्टी को लेकर। तो ये इस तरह की चीजें जो है वो आपको हेल्प करती हैं, क्योंकि वो सुनने ही नहीं चाहता अपोजिट पार्टी के पर्सुएशन मैसेजेस को।
तो इस वजह से अगर उसमें ईगो की कमी होती है और फिर बार बार आपको पर्सुएशन के मैसेजेस दिए जाएं और ईगो की डिप्लेशन की वजह से वन और अदर डे आप उनकी बातों में आ जाते हैं, आप कन्विंस हो जाते हैं और फिर आपकी जो पर्सुएशन, आपकी जो एटीट्यूड्स हैं वो आपके चेंज हो जाते हैं, और जब आपके एटीट्यूड चेंज हो जाते हैं तो आपके बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात करें तो ये हमारे जो है वो कोर्स आउटलाइन का हिस्सा नहीं है, तो इस वजह से हम इनको डिस्कस नहीं कर रहे, और वैसे ये अलग से चैप्टर भी है। फाइनली हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हो गया और बाकी की डिस्कशन जो है वो हम बाद में करेंगे।